प्यारे विद्यार्थियों, असी अपने पिछले लैक्चर दे विच अपना छेवीं का तीजा अभ्यास संख्यावां नाल खेडना कर रहे सी। आओ थोड़ी जी दोहराई करके फिर आपां अपने जिहड़ी एक्सरसाइज है उहदे वल वधदे हाँ। असी करिया सी अभाज ते भाज संख्यावां, जिस दे विच असी करिया सी वी जिवें साडे कोल एक है, एक दा फैक्टर सिर्फ एक है, दो दे फैक्टर दो हन, एक अते दो, एक अते खुद आप संख्या, ऐदां ही तीन दे भी दो फैक्टर हन, चार दे तीन फैक्टर हन, एक दो ते चार, ऐदां ही पंज दे दो फैक्टर हन, छे दे चार फैक्टर हन, सत दे दो हन, अठ दे चार हन, नौ दे तीन हन, दस दे चार हन, ग्यारह दे दो हन, ते बारह दे छे। बारह दे छे किवें हन, जिवें साडे लिखदे हाँ बारह बराबर है एक गुणा बारह, ऐदां ही बारह नूं असीं होर की लिख सकते हाँ, छे दूनी बारह, एक असी बारह लिख सकते हैं चार तीए बारह। तो साढ़े को हम कि संख्यावान आ गई, एक दो तीन चार ते छे ते एक बारह खुद, तो यह की हैं बारह के फैक्टर हैं। तो असी किता सी भी ओ संख्यावान जिन्हां दे सिर्फ एक दो ही फैक्टर होन, आप ते एक, ओ संख्यावान नूं असी की बोलते हाँ, अभाज संख्यावां बोलते हाँ। यानी कि साड़ियां दो तीन पांच सात ते ग्यारह, ये की हैं साड़ियां अभाज संख्यावां हैं। जबकि वह संख्यावां जिस दे दो तो ज़्यादा गुणनखंड होंदे हैं, फैक्टर होंदे हैं, उन्हां नूं की बोलते हैं असी भाज संख्यावां। जिवें साडे कोल चार छे अठ नौ दस ते बारह, ये साड़ियां की हैं भाज संख्यावां हैं। पर जिहड़ा एक है वह ना तो साड़ी भाज संख्या है, ना ही साड़ी अभाज संख्या है। तो असी डेफिनेशन करी सी अभाज संख्यावां प्राइम नंबरस, वह संख्यावां जिन्हां दे गुणनखंड एक जा आप, जिवें साड़े असी कहा सी दो है जिहड़ा वह जां तां एक गुणा दो, यानी कि उसके फैक्टर जां तां एक है या दो खुद आप है। इदां ही जिहड़ा पंज है उसके की हन एक गुणा पंज, तीन है जिहड़ा एक गुणा तीन, इदां ही जिहड़ा सत है एक गुणा सत। यानी कि वह संख्यावां जिन्हां दे गुणनखंड एक जा आप उही संख्या ही हुंदे हन, उन्हां नूं असीं की बोलदे हाँ अभाज संख्यावां प्राइम नंबरस। यानी कि दो तीन पांच सत ग्यारह, ये साढ़े की हन प्राइम नंबरस हन, अभाज संख्यावां हन। भाज संख्यावां कंपोजिट नंबरस, वह संख्यावां जिन्हां दे दो तो ज़्यादा गुणनखंड हुंदे हन, भाज संख्यावां कहाउंदियां हन। जिवें कि चार है जिहड़ा उसनों असी एक गुणा चार भी लिख सकते हाँ, चार नूं होर असी दो गुणा दो, यानी कि चार दे जिहड़े गुणनखंड हन वह एक दो ते चार, यानी कि दो तो ज़्यादा हो गए। इदां ही अगर असी नौ देखिए तो नौ दे की होंगे, नौ गुणा एक, एक साढ़े को नौ नूं असी होर की लिख सकते हाँ तीन गुणा तीन, यानी कि नौ दे जिहड़े फैक्टर्स हन वह एक तीन ते नौ आप है। तो यदा मतलब ये संख्यावान की होंदिया हन, साड़ियाँ भाज संख्यावान होंदिया हन। तो असी एक विधि भी करी सी भी एक तो लेके सौ तक दियाँ असी जिहड़ियाँ अभाज संख्यावान हन वह किवें पता कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियो, तुसी कह रहा होना ये असी कह रहा सी भी जिहड़ा एक है वह ना तो साड़ी भाज संख्या है ना अभाज संख्या है। उस तो बाद असी की करिया सी दो नूं सर्कल करिया सी, दो दे टेबल ते जिन्ने भी साडे आंदे सी जिदा चार छे अठ दस, इन्हां सारयां नूं असी की करिया सी कट्टिया सी। कटिंग करन नाल साडे कोल एक तरह का ऐदा टेबल है जिहड़ा वह बनदा सी। इस दे विच असी एक है जिहड़ा वह कटिंग करता, क्योंकि ये ना साडी भाज संख्या है ना अभाज संख्या है। उस तो बाद असी कह रहे सी दो लेके दो दे टेबल ते जिन्नियां भी संख्यावां हन उन्हां सारयां नूं कट्टिया, फिर तीन लेके तीन दे टेबल ते जिहड़ियां संख्यावां हन उन्हां नूं कट्टिया, इदां ही पंज सत ग्यारह तेरह, इदां ही असी चलदे गए। तो असी जदों देखिया तो साडे कोल सिर्फ किहड़ी किहड़ियां संख्यावां बचियां, दो तीन पांच सत ग्यारह तेरह सतारह उन्नी तो बाद तेई उनती इकती
सैंती इकताली तरताली संताली तरवंजा उनाहठ काहठ सताहठ कहत्तर तिहत्तर उनासी तिरासी उनानवे अते सतानवे ये साडियां की हन एक अते सौ दे विचकार दियां अभाज्य संख्यावां हन। ये विधि तुसीं बहुत चंगी तरह कीती सी। आओ असीं अगे करदे हां जिस संख्यावां बारे भी पढ़िया सी असीं ईवन नंबरस भी ओ संख्यावां जिहड़ियां दो दे पहाड़े ते पूरियां पूरियां कट्टियां जाण उहनां नूं असीं जिस संख्यावां बोलदे हां जिवें दो चार छे अठ दस बारह चौदह ये साडियां की हन जिस संख्यावां। असीं टांग संख्यावां बारे भी पढ़िया सी भी जिस संख्यावां नूं छड्ड के बाकी जिहड़ियां संख्यावां साडियां बचदियां हन ओह की हन टांग संख्यावां यानी कि एक तीन पंज सत्त नौ ग्यारह तेरह पंद्रह ये साडियां की हन टांग संख्यावां हन। तां असीं इह वी पढ़िया सी कि सब तो जिहड़ी छोटी असीं पढ़िया सी सब तो छोटी जिहड़ी साडी टांग संख्या जिहड़ी ओह किहड़ी होगी एक। जे असीं गल करी सी अभाज सब तो छोटी अभाज संख्या दी ओह साडी की है दो ते दो साडी की है जिस्त संख्या भी है। तां असीं कहा सी भी दो केवल जिस्त अभाज संख्या है बाकी सारियां अभाज संख्यावां की हुंदियां हन टांग हुंदियां हन। आओ असीं हुण अपनी अभ्यास 3.2 जिसका असीं अज तीजा प्रश्न है वह करना है संख्या 13 अते 31 अभाज संख्यावां हन। इन्हां दोवां संख्यावां विच्चों दो अंक एक अते तीन हन। 100 तक दीआं संख्यावां विच अजिहे होर सारे जोड़े पता करो जिहदे असीं कहिंदे वी 13 की है साडी अभाज संख्या है। जेकर असीं इहदे अंकां नूं हटा दईए तां 31 भी साडी की है अभाज संख्या है। असीं इस तरह दे जोड़े होर लभणे हन कि 1 ते 100 दे विचकार होर इह जे किन्ने जोड़े हन जिन्हां दे अंकां नूं अगर हटाईए तां अभाज संख्या ही बनदी है। जिवें कि असीं कहीए भी 17 जिहड़ी हैगी है साडी अभाज संख्या है। अगर असीं इस दे अंकां नूं उलटांदे हां तां 71 भी साडी की है अभाज संख्या ही है। जेकर हुण असीं 19 दी गल करिए 19 अभाज संख्या है पर जदों असीं इहदे अंकां नूं उलटांदे हां तां 91 साडी अभाज संख्या नहीं है। तां इसदा मतलब इह है भी इह असीं जोड़ा नहीं लिख सकदे। साडा पहला जोड़ा सी 17 अते 71 पता कीता उस तों बाद 19 तों बाद साडी जिहड़ी अगली अभाज संख्या है उह की है साडी 23 पर 23 दे अगर असीं अंकां नूं उलटाईए तां 32 साडी अभाज संख्या नहीं है। अगर असीं इदां ही चलदे जाइए तां इसे तरह अगर असीं 37 दी गल करिए 37 साडी की है अभाज संख्या है। जेकर असीं इहदे अंकां नूं उलटा दईए तां 73 भी साडी की है अभाज संख्या है। इसे तरह साडे कोल 79 जिहड़ी हैगी है 79 उह की है अभाज संख्या है। जेकर असीं इहदे अंकां नूं उलटा दईए तां 97 जिहड़ी हैगी है 97 भी साडी की है अभाज संख्या है। तां साडे कोल किहड़े किहड़ा जोड़ा आया सी 1 17 ते 71 दूजा साडा की है 37 अते 73 ते तीजा जोड़ा की है साडा 79 अते 97 यानी कि 1 तों लेके 100 दे विचकार साडे कोल सिर्फ 4 जोड़े हन जिन्हां दे अगर असीं अंकां नूं अभाज संख्यावां दे 4 जोड़े हन जिन्हां दे अगर असीं अंकां नूं उलटांदे हां तां फिर सानूं जिहड़ी संख्या प्राप्त हुंदी है ओह सानूं अभाज संख्या ही प्राप्त हुंदी है। तुसीं होर काफ़ी जिहड़ियां संख्यावां हन उहनां नूं लेके चैक कर सकदे हो जिवें मैं 19 नूं चैक कीता सी 23 नूं चैक कीता सी तुसीं 29 नूं चैक कर सकदे हो 29 की है साडी अभाज संख्या है। पर जेकर असीं इहदे अंकां नूं उलटांदे हां तां 92 साडी अभाज संख्या नहीं बनदी।
तुसी की करना है एक बारी जरूर एक तो लेके सौ तक जिन्निया भी अभास संख्यावां हन उन्हां दे अंकां नूं दो अंकां वालियां जिहड़ियां अभास संख्यावां हन उन्हां दे अंकां नूं उलटा के देखना है कि क्या तुसी इस तो अलावा भी कोई होर जोड़ा पता कर सकते हो तां इह जरूर तुसी करके देखना है। आओ अगले प्रश्न वल वधदे हां। बी तो छोटियां सारियां अभाज ते भास संख्यावां अलग अलग लिखो। देखो या तो तुसी एक तो लेके बी तक असी गिनती लिख लैंदे हां एक दो तीन चार पांच छे सत अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नी ते बी। असी एक विधि करी सी उस विधि दे नाल असी अभास संख्यावां लभियां सी जिवें असी कहा सी एक साडी अभास संख्या नहीं है दो साडी की है अभास संख्या है तो असी की है चार नूं कट दिंदे हां छे अठ दस बारह चौदह सोलह अठारह ते बी। उस तो बाद तीन साडी अभास संख्या है तो तीन दे टेबल ते जिहड़ियां आंदियां हन असी हुण ओह संख्यावां नूं कट दिंदे हां। उस तो बाद पांच साडी अभास संख्या है पांच दे टेबल ते अगर कोई आंदी है संख्या असी उहनूं कट दिंदे हां। इदां ही सत साडी की है अभास संख्या है उस तो बाद साडी ग्यारह ते तेरह सतारह ते उन्नी। तो इसका मतलब भी तो छोटिया जड़िया अभास संख्यावां हन वह साडिया केड़िया केड़िया संख्यावां हन दो तीन पांच सत ग्यारह तेरह सतारह ते उन्नी ये साडिया की हन अभास संख्यावां हन। इस तो बाद अगर असी भास संख्यावां की गल करिए तो भी तो छोटिया अभास संख्यावां केड़िया केड़िया हन सब तो छोटी अभाज संख्या केड़ी है चार छे अठ नौ दस बारह चौदह पंद्रह सोलह अठारह ते बी ये साडिया की हन भाज संख्यावां हन। तुसी जिहड़ी असी पहला विधि करी सी उस विधि दे नाल तुसी अपने एक तो लेके सौ तक किया सी हुण असी सिर्फ बी तक करना है तुसी बी तक है जिहड़ी विधि अपना के अभाज ते भाज संख्यावां नूं पता कर सकदे हो। साडा अगला प्रश्न है एक अते दस दे विचकारली सब तो छोटी अभास संख्या लिखो। हुण एक अते दस दे विचकार सब तो छोटी अभास संख्या असी पता करनी है असी सब तो पहला एक अते दस दे विचकारलियां अभास संख्यावां लिख लैंदे हां एक अते दस दे विचकारली विचकारलियां अभाज संख्यावां तुहानूं पता ही है किहड़ी किहड़ियां हन साडियां दो तीन पांच सत ये साडियां की हन एक अते दस दे विचकारलियां अभाज संख्यावां हन। तां असी दसना है कि सब तो वड्डी जिहड़ी है अभाज संख्या किहड़ी है एक अते दस दे विचकार तां सब तो वड्डी किहड़ी है साडी सत यानी कि एक अते दस दे विचकारली सब तो वड्डी अभास संख्या साडी केड़ी है सत है। अगर मैं कहां सब तो छोटी तां सब तो छोटी अभास संख्या एक ते दस दे विचकार तो साडी की है दो है दो वैसे भी साड़ी सब तो छोटी अभाज जिस्त संख्या है। साड़ा अगला प्रश्न है हेठ दित्तियां नूं दो टांक अभाज संख्यावां दे जोड़े दे रूप दे विच लिखो। जिवें हुण असी साड़ा पहला प्रश्न है चवाली हुण असी चवाली नूं की लिख सकते हैं असी चवाली नूं इस तरह लिखना है इस तरह जोड़ियां च लिखना है कि दोनों का जिहड़ा जोड़ा एक तो चवाली आना चाहिए पर दोनों ही संख्यावां की होनिया चाहीदियां हन साडियां अभास संख्यावां होनिया चाहीदियां हन जिवें तेरह अते इकत्ती। जेकर मैं तेरह अते इकत्ती नूं जोड़दा हाँ तो किन्ना आंदा है मेरे कोल चवाली आंदा है। हुण तेरह भी की है साडी अभास संख्या है इकत्ती भी की है साडी अभास संख्या है। क्या विद्यार्थियों की तुसी होर जोड़ा भी दस सकते हो जिवें हुण असीं कह सकते हां कि अगर मैं चवाली करना है तो मैं तीन जमा
41 तां जेकर असीं देखिए कि 3 भी साडी की है अभाज्य संख्या है कि 41 भी साडी अभाज्य संख्या है तां हां तां दा मतलब 3 अते 41 इदां असीं होर जोड़े भी पता कर सकदे हो ये नहीं भी इक्को ही जोड़ा असीं होर काफी जोड़े जिहड़े हैगे आ उह पता कर सकदे हां इसे तरह हुण बी पार्ट मेरा हैगा 36 36 नूं मैं लिख सकदा हां 17 जमा 19 ठीक है 17 भी की है साडी अभाज्य संख्या है 19 भी की है साडी अभाज्य संख्या है इसे तरह सी पाठ है साडा 24 हुण 24 दे देखदे हां असीं कि बन सकते हां 7 जमा 17 क्योंकि 7 भी की है साडी अभाज्य संख्या है 17 भी साडी की है अभाज्य संख्या है हुण तुसीं कहोगे कि 24 नूं असीं 21 जमा 3 भी लिख सकते हैं पर इहदे नाल 3 है जिहड़ा उह तां अभाज्य संख्या है पर 21 साडी अभाज्य संख्या नहीं है तां इस गल दा जरूर तुसीं ध्यान रखना है जदों भी असीं करदे हां जिहड़ा हुण 19 असीं 24 नूं 19 जमा 5 ये लिख सकते हैं क्योंकि 19 भी की है साडी अभाज्य संख्या है 5 भी की है साडी अभाज्य संख्या है तां इहदा मतलब यह है भी इको जोड़ा नहीं असी कई तरह के इदा के जोड़े लिख सकते हैं जिन्हों का जोड़ा जोड़ है वह 24 हो पर जोड़ा साढ़े को दोनों ही संख्यावान की होनी चाहिए अभाज वो जोड़े एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं वह तुम जरूर अपने आप करके देखने कि होर किन्ने जोड़े हैं जोड़े वो पता कर सकते हो इदा ही साढ़ा डी पाठ है 18 जेकर 18 की गल करिए मेरे को 7 जमा 11 क्योंकि 7 भी की है साडी अभाज्य संख्या है 11 भी साडी की है अभाज्य संख्या है एक जोड़ा तो यह हो गया क्या होर जोड़ा हो सकता है 18 नूं अगर मैं लिखा देखो 15 जमा 3 तुसीं कहोगे ये भी की बनता 18 पर इहदे नाल 3 तां की है साडी अभाज्य संख्या है पर 15 साडी अभाज्य संख्या नहीं है तो इस तरह तुसीं चैक कर सकते हो तो इहदे विच असीं देखिया कि अगर असी किसी भी दो टांक अभाज्य संख्यावां दे जोड़े दे रूप दे विच लिखना है तो असी किवें लिख सकते हाँ साडा अगला प्रश्न है अभाज्य संख्यावां दे अजिहे 3 जोड़े लिखो जिन्हां दा अंतर 2 होवे हुण अभाज्य संख्यावां एक तां होणियां चाहीदियां उस तों बाद असी किन्ने जोड़े लिखने हैं 3 जोड़े लिखने हैं वह किस तरह के होने चाहिए हैं जिन्हां दा जिहड़ा अंतर है वह 2 होना चाहिए है जिमें साडे कोल पहली अगर असी देखिए अभाज्य संख्या 2 है पर 2 तो अगली अभाज्य संख्या 3 है पर इन्हां दोनों का जिहड़ा अंतर है वह 1 है इहदा मतलब ये जोड़ा नहीं हो सकता साडा उस तों बाद 3 ते अगली अभाज्य संख्या कि 5 हुण 3 अते 5 का जिहड़ा डिफरेंस है साडा वह किन्ना आंदा है 2 आंदा है क्योंकि अगर असी 5 माइनस 3 करिए तो किन्ना आंदा 2 तो इहदा मतलब पहला जिहड़ा साडा जोड़ा है वह 3 अते 5 है इसे तरह 5 ते 7 अगर असी 5 7 विचों 5 माइनस करते हाँ तो भी किन्ना आंदा है 2 इहदा मतलब साडा दूजा जोड़ा की है 5,7 है इसे तरह 7 तो बाद साडे कोल 11 आंदा है पर अगर असी 11 विचों 7 माइनस करते हैं तो किन्ना आंदा है 4 इहदा मतलब ये असी जोड़ा नहीं ले सकते उस तों बाद साडा अगला 11 ते 13 अगर असी 13 चों 11 माइनस करते हाँ तो साढ़े कोल किन्ना आंदा है 2 तो इहदा मतलब असी 3 जोड़े किहड़े किहड़े पता कर रहे हैं 3 5 5 7 ते 11 13 ये साढ़े 3 जोड़े हैं अजिहे 3 जोड़े हैं जिहड़े कि 3 साढ़े की हैं अभाज्य संख्यावां दे जोड़े हैं तो सारिआं दा जिहड़ा अंतर है वह साढ़े कोल की आ रहा है 2 आ रहा है साढ़ा अगला प्रश्न है 8 दित्तियां विचों केड़ियां संख्यावां अभाज्य संख्यावां हन असी देखना है कि साडे कोल 4 संख्यावां दित्तियां गईआं हन इह चारे संख्यावां दे विचों केड़ियां संख्यावां अभाज्य संख्यावां हन अगर असी 23 दी गल करिए तां 23 दे जिहड़े गुणनखंड हन उह सिर्फ 2 ही बनदे हन किहड़े किहड़े 1 अते 1 खुद 23 आप तां इहदा मतलब उह संख्या असी करिआ सी जिस दे सिर्फ 2 ही जोड़े हो गुणनखंड होन उन्हों की बोलते हाँ असी अभाज्य संख्या बोलते हाँ तो यह मतलब 23 साड़ी की है अभाज्य संख्या है
जेकर मैं 51 की गल करा तो 51 दे 51 गुणा 1 17 गुणा 3 क्योंकि 17 ती 51 इसका मतलब ए 51 दे साडे गुणनखंड केड़े बने 1 3 हाँ जी 17 ते 51 खुद आप इहदा मतलब ये की है साडी भाज संख्या है। उस तो बाद 37 दे गुणनखंड की बनते हैं 37 गुणा 1 तो इहदा मतलब की है 37 की है साडी अभाज संख्या है क्योंकि इस दे सिर्फ दो ही गुणनखंड बनते हैं 1 1 ते 1 37। उस तो बाद 26 जे असी 26 की गल करिए 26 गुणा 1 ते 13 गुणा 26 तो इस दे गुणनखंड केड़े केड़े बने 1 2 13 ते 26 इस दे 4 गुणनखंड बनते हैं 2 तो ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं तो इसका मतलब की है यह भाज संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर असी देखना है कि कोई भी दित्ती हुई संख्या साड़ी अभाज संख्या है या नहीं तो हमेशा असी की करना है उसके गुणनखंड बना के देखने हैं। जेकर उसके सिर्फ दो ही गुणनखंड बनते हैं 1 संख्या खुद आप ते 1 1 तो वह संख्या की होएगी साड़ी अभाज संख्या होएगी। पर अगर दित्ती हुई संख्या दे 2 तो ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं तो वह संख्या साड़ी की होंगी है भाज संख्या होंगी है। साडा अगला प्रश्न है 100 तो छोटिया 7 क्रमवार भाज संख्यावां लिखो जिन्हां दे विचकार कोई भी अभाज संख्या ना होवे। तो प्यारे विद्यार्थियो तुसीं 1 तो लेके पहला तो 100 दे विचकार दियां सारियां अभाज संख्यावां लिख लो फिर तुसीं देखो कि उस विच किवें सीरियल ऑर्डर दे विच साडियां जिहड़ियां संख्यावां हन उह चलदियां हन। जिवें हुण असीं गल करिए 90 91 93 94 95 96 क्योंकि 90 भी साड़ी की है भाज संख्या है 91 भी की है साड़ी भाज संख्या है 92 भी साड़ी भाज संख्या है 93 भी साड़ी की है भाज संख्या है 94 भी की है साड़ी भाज संख्या है 95 भी की है भाज संख्या है 96 भी और ये सारिया संख्यावां की हैं लगातार चलदियां हन। तो इहदा मतलब की है 1 तो लेके 100 दे विचकारलियां संख्यावां दे विच 90 तो लेके 96 तक ओ भाज संख्यावां हन जिस दे विच कोई भी अभाज संख्या नहीं आउंदी। साडा अगला प्रश्न है हेठ दित्तियां संख्यावां विचों हरेक नूं 3 अभाज संख्यावां दे जोड़े दे रूप विच लिखो। असी 21 नूं इस तरह लिखना है 3 संख्यावां दे जोड़ दे बराबर लिखना है कि तीनों संख्यावां की होनिया चाहीदियां हन साडियां अभाज संख्यावां होनिया चाहीदियां हन जिदा 3 5 13 जे असी इहनां नूं ऐड करदे हां तां साडे कोल किन्ना आउंदा 21 इहदे विच जिहड़ी 3 है उह भी अभाज संख्या है 5 भी अभाज संख्या है ते 13 भी की है साडी अभाज संख्या है। इदां ही 31 दी अगर असी गल करिए 5 7 19 ये तीनों ही की हैं साड़ियाँ अभाज संख्यावां हैं जे असी इन्हां तिन्हां नूं जोड़ करदे हाँ तो साडा आंसर किन्ना आंदा है 31 आंदा है। इसे तरह असी अगर 53 की गल करिए 13 17 23 क्योंकि 13 17 30 30 23 किन्ना हो गया 53 तो 13 भी साड़ी अभाज संख्या है 17 भी साड़ी अभाज संख्या है तो 23 भी साड़ी की है अभाज संख्या है। इसे तरह साड़ा लास्ट जो डी पार्ट है 61 इन्हों मैं लिख सकता हाँ 11 13 37 क्योंकि जो असी इन्हों जोड़ करते हाँ तो साढ़े को आंसर किन्ना आता है 61 आता है। मेरे 11 भी की है साड़ी अभाज संख्या 13 भी की है अभाज संख्या 37 भी की है साड़ी अभाज संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों फिर हुई गल तुसी देखना है कि क्या तुसी 21 31 53 61 दे इस तो अलावा भी कोई होर जोड़े बन सकते हैं अभाज जोड़े जिन्हां नूं अगर असी जोड़ करिए तो साड़ी संख्या तो यही बने पर इन्हां दे विच की होवे डिफरेंट संख्या होवे ये तुसी खुद एक बारी जरूर करके देखना है। साडा अगला प्रश्न है
बी तो छोटियां अभास संख्यावां दे अजिहे पंज जोड़े लिखो जिन्हां दा जोड़ पंज नाल भाग होवे, जिवें कि साढ़े कोल तीन जमा सत्त की बनता है दस। हुण तीन अते सत्त दोनों ही की हन साडियां अभास संख्यावां हन, ते जिहड़ा दस है वह दो दे नाल पूरा पूरा की हुंदा है भाग हुंदा है, पंज दे नाल पूरा पूरा की हुंदा है भाग हुंदा है। तो आओ असी जोड़े पता करते हाँ, जिदा दो जमा तीन किन्ना हो गया पांच, और पांच पांच दे नाल पूरा पूरा की हुंदा है भाग हुंदा है। उस तरह दो जमा तेरह पंद्रह, पंद्रह की है पांच दे नाल पूरा पूरा भाग हुंदा है। उस तरह ग्यारह जमा नौ, हुण नौ तो असी लिख नहीं सकते क्योंकि असी क्या छोटियां अभास संख्यावां, असी अभाज लेनिया हन, ग्यारह तो अभाज हैगी है पर जिहड़ी नौ है वह साड़ी अभाज नहीं है। इदां ही सतारह जमा तीन किन्ना हो गया बी, बी भी की है पंज नाल पूरा पूरा भाग योग है। इस तरह सत्त जमा तीन तो असी करिया ही सी भी साढ़े कोल दस आंदा है, तो जिहड़ा दस है वह पंज नाल पूरा पूरा भाग हुंदा है। तो एक जोड़ा रह गया, ये हुण आप देखना है कि एक जोड़ा होर किहड़ा तुसी पता कर सकते हो भी जिहदा जिहड़ा जोड़ है वह की होवे पंज नाल भाग योग होवे, पर दोनों ही संख्या की होनी चाहिए हैं अभाज होनी चाहिए हैं। साडा लास्ट प्रश्न है खाली थावां भरो, असी हुण खाली थावां भरनिया हैं। पहला ए पाठ है वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होण वह एक डै संख्या कहांदी है। तो प्यारे विद्यार्थियों असी करिया ही सी भी वह संख्यावां जिन्हां दे केवल दो गुणनखंड हुंदे हन वह किहड़ियां संख्यावां कहांदियां हन अभाज संख्यावां। जिवें साडे कोल दो है, दो दे साडे कोल दो गुणा एक, इदां ही तीन दे तीन गुणा एक, पंज दे पंज गुणा एक, सिर्फ दो ही गुणनखंड बनते हैं या तो एक या संख्या आप, उसनों की बोलते हैं असी अभाज संख्या। साडा अगला है वह संख्या जिसके दो तो ज्यादा गुणनखंड होण उस संख्या नूं असी की बोलते हाँ भाज संख्या, उसनों असी की बोलते हाँ भाज संख्या कहिंदे हाँ। जिदा चार है, छे है, अठ है, नौ है, दस है, ये सारिया साडिया की हैं भाज संख्यावां हैं। एक ना तो डैश है अते ना ही डैश, इहदा मतलब एक ना तो भाज संख्या है और ना ही अभाज संख्या है, ये असी कीता सी। उस तो बाद सब तो छोटी अभाज संख्या, साडी सब तो छोटी जिहड़ी अभाज संख्या है वह कि है दो है। सब तो छोटी भाज संख्या, भाज संख्या की अगर गल करिए तो सब तो छोटी जिहड़ी भाज संख्या है साडी किन्नी है चार है। उस तो बाद सब तो छोटी जिस संख्या, सब तो छोटी जिस संख्या साडी कि है दो है, तो यह भी याद रखना है जिहड़ी दो है वह सब तो छोटी जिस्त अभाज संख्या है, क्योंकि बाकी जिन्निया भी साड़ियां अभाज संख्यावां हन वह सारियां की हन टांक हन। तो प्यारे विद्यार्थियों अज असी अभ्यास 3.2 दे जिहड़े बाकी प्रश्न रहिंदे सी वह चंगी तरह करे, तो असी देखिया कि भाज ते अभाज की अगर सानू पता है तो असी प्रश्नां नू किवें आसानी नाल हल कर सकते हाँ। धन्यवाद।